हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नया पादे हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्राफ पैटर्न लेकर के आई हूँ। इसे आप चाहें तो टू कलर्स में भी बना सकते हैं और इसे अगर आप चाहें तो कलरफुल भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बचा हुआ उल है तो उससे आप ये ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको बनाना कैसे है। ये आप किसी के स्वेटर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्हाइट उल लिया है। इसे बनाना कैसे है, बॉर्डर के बाद से इसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट उल ले लिया है और मरून उल लिया है, टू कलर्स का लिया है। ये जो लाइनिंग है वो मरून से बनेगा, एक ही कलर में बनेगा। बाकी जो ये है प्लेन, जहाँ पर मैंने वो ग्राफ का केवल यहाँ पर बॉक्स बनाया है, इसमें आप कलरफुल बना सकते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले यहाँ पर हम टू फंदा व्हाइट से बुन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर वन फंदा मरून से बुन लेंगे। यहाँ पर टू फंदा व्हाइट हुआ, वन फंदा मरून हुआ, थ्री फंदा व्हाइट होगा, वन टू एंड थ्री, उसके बाद वन फंदा मरून होगा, फिर थ्री फंदा यहाँ पर व्हाइट होगा, वन फंदा मरून होगा, फिर यहाँ पर टू फंदा व्हाइट होगा। अब यहाँ पर देखिए ये टू फंदा व्हाइट है जो कि अभी यहाँ पर वन फंदा हो जाएगा। ये वन फंदा व्हाइट से बुन लेना है और यहाँ पर थ्री फंदा मरून होगा, वन फंदा मरून है जो थ्री फंदा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा व्हाइट को हमें मरून करना है, उसके बाद यहाँ पर बुनना है वन फंदा व्हाइट, फिर थ्री फंदा मरून, वन टू एंड थ्री। यहाँ पर थ्री फंदा मरून हो जाएगा, वन फंदा होगा व्हाइट, फिर थ्री फंदा मरून होगा, वन फंदा होगा व्हाइट। और आगे से देखिए यहाँ पर ये व्हाइट है, इसे हम करेंगे मरून। यहाँ पर देखिए इस साइड में टू फंदा मरून हो जाएगा और यहाँ पर जो वन फंदा मरून है इसमें हम कोई और कलर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टू फंदा मरून, वन फंदा येलो, फिर यहाँ पर देखिए थ्री फंदा मरून होगा। ये जो बीच वाला व्हाइट फंदा है इसे हम बीच में रखेंगे मरून। ये वन फंदा येलो, थ्री फंदा यहाँ पर मरून, वन फंदा येलो, यहाँ पर अब साइड में टू फंदा मरून हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पर देखिए ये वन फंदा यहाँ पर मरून यहाँ पर साइड में होगा और ये जो येलो है इसे हम थ्री फंदा कर देंगे। यहाँ पर वन टू एंड थ्री, थ्री फंदा यहाँ पर येलो होगा, वन फंदा मरून, थ्री फंदा यहाँ पर येलो होगा, वन फंदा मरून, फिर यहाँ पर थ्री फंदा येलो हो जाएगा और वन फंदा यहाँ पर होगा मरून। इसके बाद आगे से पूरा येलो से बुन लेंगे हम। यहाँ पर देखिए पूरा फंदा जो मरून है उसे भी येलो करेंगे और जो येलो है उसे तो येलो हम करेंगे। फिर यहाँ पर ये पूरा सिलाई में येलो से बुन लूँगी और इसको मरून को यहाँ पर इस साइड हम कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया, पूरे यहाँ पर ये हो गया मरून। अब देखिए येलो से पूरा मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर मरून था ये जो यहाँ पर था, तो फिर यहाँ पर ये बीच में होगा मरून, यानी टू फंदा इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले टू फंदा हम येलो से बुन लेंगे। यहाँ पर जैसे नीचे में स्टार्ट हुआ है मरून से, वैसे यहाँ पर स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर मरून का दूसरा लाइन स्टार्ट हो गया, तो एक फंदा, दो फंदा येलो, एक फंदा मरून, तीन फंदा येलो, एक फंदा मरून, फिर यहाँ पर थ्री फंदा येलो, वन फंदा मरून, फिर यहाँ पर टू फंदा येलो होगा साइड में। अब देखिए अब यहाँ पर वन फंदा होगा येलो, थ्री फंदा यहाँ पर हम मरून से बुनेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री फंदा यहाँ पर मरून हुआ, वन फंदा येलो होगा, फिर यहाँ पर थ्री फंदा मरून होगा,
फिर वन फंदा येलो होगा, फिर यहाँ पर थ्री फंदा मरून, वन फंदा येलो। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लेंगे, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाइट ऊपर में दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वाइट से स्टार्ट किया, यहाँ पर वाइट, बट यहाँ पर मैं कोई और कलर दे रही हूँ। यहाँ पर कलरफुल बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर आपके पास बचा हुआ उल है उसे आप बनाएं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन ले रही हूँ येलो के बाद, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं जो कि अच्छा लगे। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो येलो है इसे तो हमें मरून से करना है, तो यहाँ पर टू फंदा मरून हुआ, अब वन फंदा ग्रीन होगा, फिर यहाँ पर थ्री फंदा मरून होगा, वन फंदा ग्रीन, थ्री फंदा मरून, वन फंदा ग्रीन, और यहाँ पर टू फंदा मरून हो जाएगा। अब जैसे देखिए येलो वाला बना है वैसे उसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन वाले को बनाना है। यहाँ पर वन फंदा अब मरून होगा यहाँ पर किनारे में, और उसके बाद यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन होगा, फिर यहाँ पर वन फंदा मरून होगा, फिर यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन होगा, फिर यहाँ पर वन फंदा मरून, फिर यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन, फिर वन फंदा मरून। उसके बाद पीछे से पूरा ग्रीन से बुन लेना है, यहाँ पर जैसे येलो को मैंने बुना था वैसे ग्रीन को भी बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या करना है, फिर मरून का लाइन स्टार्ट होगा, तो जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ नीचे में उसी तरीके से स्टार्ट होगा, देखिए इसी तरीके से मरून, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कलर कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप, मैं चाहूँ तो वाइट या येलो या ग्रीन, तो यहाँ पर अगर थ्री कलर्स में बना रहे हैं तो येलो ग्रीन और वाइट। फिर यहाँ पर देखिए अभी हम टू फंदा ग्रीन से बुन लेते हैं, वन टू, यहाँ पर टू फंदा ग्रीन हो गया, वन फंदा मरून होगा, फिर यहाँ पर थ्री फंदा, देखिए थ्री फंदा ग्रीन, वन फंदा मरून, फिर यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन, वन फंदा यहाँ पर मरून, फिर टू फंदा ग्रीन। इसी तरीके से पूरा स्वेटर में ऐसे ही बनेगा, देखिए इसी तरीके से, देखिए कितना छोटा पैराग्राफ है, इसी तरीके से पूरे स्वेटर में आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।